जयेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज चंडीगढ़ के अंदर किया है, और मैं देख रहा हूं काफी अच्छी गैदरिंग इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। जब कार्यक्रम के अंदर गैदरिंग अच्छी हो तो कार्यक्रम का जो आनंद है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आपकी संस्था का नाम है द कॉस्मिक रिवर ऑकल्ट अवार्ड्स। ऑकल्ट का क्या मतलब होता है? रहस्य। वो रहस्य, वो विद्या, वो गुप्त विद्या जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रही हैं, जिसके ऊपर आप शोध कर रही हैं, आपका इंस्टीट्यूट शोध कर रहा है, तो इसलिए यहां पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सब बहुत दूर दूर से आए हैं। कुछ दिल्ली से आए हैं, बहुत से लोग पंजाब में अलग अलग जगहों से आए हैं, शहरों से। तो सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। हमारे समक्ष इस समय काफी बड़ी बड़ी महान विभूतियां, आत्माएं बैठी हैं जिन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में एक विशेष अलग जगाने का काम किया है। गुरुदेव डॉक्टर एच एस रावत जी बैठे हैं, 20 सालों से आस्था चैनल पर हम इनको सुन रहे हैं, विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर हम इनको सुनते हैं, सनातन हिंदू धर्म गुरु के तौर पर सुनते हैं। हमारे बीच में देवे के आचार्य अनिल वत्स जी बैठे हैं, इन्होंने भी एक मतलब मुझे इतना ध्यान है कि आस्था चैनल पर शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही करी थी, यही आए थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ध्यान रहस्य जी, मतलब सब अपने अपने क्षेत्र में। हमारे सौरभ भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका नहीं नाम ले पा रहा हूं उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, केवल समझने की आवश्यकता है और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर समझाने वाला अच्छा नहीं है, वकील के पास ज्ञान हो, पर्सनैलिटी भी हो, बोलता भी अच्छा हो, तो वो आपके केस को जरूर जितवा देगा, वो आर्ग्यूमेंट अच्छा कर लेगा, अपनी बात को डिलीवर कर देगा अच्छे तरीके से। और वकील के पास ज्ञान अच्छा हो पर उसकी पर्सनैलिटी ना हो, अच्छा वक्ता ना हो, बोल ना पाए, तो वो आपके केस को अच्छा ज्ञान होते हुए भी अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाएगा और आपको वकील चेंज करना पड़ेगा। देखिए, वाद विवाद हर चीज पर किया जा सकता है, ज्योतिष के अंदर भी यही है विषय। बहुत सारे ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है पर नहीं आ पाए, मंच नहीं मिल पाया, अपनी बात नहीं रख पाए, वाणी पर सरस्वती जी का वास नहीं हुआ, तो एक दायरे के अंदर रह गए। अभी आप देखें कि हाल ही में कल ही शाम को ट्रेन दुर्घटना हुई है, कितना जबरदस्त प्रभाव है ग्रहों का, ज्योतिष के सूत्रों का, ग्रहों की चाल का, ग्रहों की डिग्री का, ग्रहों के उच्च होने और नीच होने का, ग्रहों के स्वभाव का, कि कल रात को ट्रेन दुर्घटना हुई, 3 ट्रेनें आपस में टकराई और 250 से अधिक लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए और बहुत सारे 1000 से लोग अधिक लोग घायल हो गए। यह है विचार सोचने का। यह विचार यहां से डेवलप होता है कि आप उस समय का पंचांग देखें, उस समय के ग्रह गोचर देखें, आपके सामने एक नहीं अनेक अनेक प्रकार की रिसर्च निकल के आ जाएगी उसी समय तत्काल प्रभाव से, अगर आप अच्छे शोध करता है तो जब हमने न्यूज देखी, ब्रेकिंग न्यूज देखी, पूज्य पिताश्री भी साथ में थे, आचार्य जी भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ये देखो क्या, एक झटके में इतने सारे लोग चले गए, तो मैंने तुरंत जो है पंचांग खोला, तो मैंने देखा, देखिए इस समय कल लगभग 2-3 बजे के आसपास गुरु और राहु बिल्कुल समान अंशों पर थे। 9 डिग्री का ही गुरु था कल और 9 डिग्री का ही राहु था, समान अंशों पर। तो जो गुरु राहु का प्रबल दोष होता है इकट्ठे होने से, चंडाल दोष, वो फुल एक्टिवेट था। मैंने देखा कि ये किस राशि में थे, मेष राशि के अंदर ये युति बनी हुई है गुरु राहु की, और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल क्या फल देता है? मंगल तोड़फोड़ कराता है, मंगल साहस पराक्रम का कारक है, मंगल ऊर्जा देता है, मंगल सर्जरी कराता है, केतु के साथ होगा ऑपरेशन सर्जरी, ये सब कराएगा, ऐसे योग बनाएगा। और मंगल स्वयं मेष राशि का स्वामी होकर के नीच स्थिति के अंदर चल रहा है, वर्तमान ग्रह गोचर के अनुसार, कर्क राशि के अंदर।
और शनि महाराज वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार कुंभ राशि में है और शनिदेव कुंभ में रहते हुए तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे हैं, यानी कि मेष राशि पूरी तरीके से प्रभाव में आ गई, उस राशि का स्वामी प्रभाव में आ गया, शनि की दृष्टि आ गई, गुरु राहु का चंडाल दोष और मंगल का नीच होना, ये सारे के सारे जो सुनहरी, और फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण कि मंगल का और शनि का षडाष्टक दो एक दूसरे से छठे और अष्टम हो गए। अब कुंभ राशि में इस समय शनि है तो आप कुंभ राशि से गिनिए, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, यानी कि कुंभ राशि से छठी राशि पड़ती है कर्क और उस कर्क के अंदर मंगल ग्रह है और कर्क राशि से आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कुंभ राशि को तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, यानी कि अष्टम राशि, षडाष्टक दोष प्रबल रूप में और अभी ये चलने वाला है। तो जब भी इस प्रकार की युतियां बनेंगी, इस प्रकार से ग्रह नीच होंगे तो आपके सामने एक विचार निकल के आएगा कि ग्रह आपको परेशान तो करेगा, दुर्घटना भी देगा, ऑपरेशन भी कराएगा, सर्जरी भी कराएगा। अब आप ये देखिए कि अभी तो मंगल परम नीच डिग्री तक पहुंचे भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आज है दिनांक 3 तारीख, लगभग 20 तारीख के बाद ये धीरे 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 कर्क राशि के अंदर 20, 21, 22, 23 ऐसे भरते हुए और 25, 26 तारीख के आसपास परम नीच के हो जाएंगे और परम नीच होंगे तो और ज्यादा बुरा प्रभाव देंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव नहीं होता? ग्रहों का तो बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। कल मेरे पास यहाँ चंडीगढ़ में, मैं कल आ गया था तो एक सज्जन आए मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं आपसे कुंडली दिखाने नहीं आया, मैं आपसे केवल मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा तो बताइए विषय कहिए। कह रहे मैं रिसर्च करता हूँ, मैंने एक हाइड्रोजन मशीन इंपोर्ट करी है अभी बाहर से और मैंने बहुत बारीकी के साथ चीजों का अध्ययन किया है कि ग्रहों की जो रेज हैं, इनकी जो किरणें हैं, इनसे मनुष्य के शरीर में पनपने वाला जो रोग है उसको ठीक किया जा सकता है अगर अच्छा शोध करता हो। तो हाइड्रोजन गुरु से मिलता है और गुरु का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, तो आप इस विषय में मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने कहा मैं आपके ऐसे मदद कर सकता हूं कि हमारे 7 ग्रह हैं और 2 नॉन मेटलाइज राहु केतु हैं। अब इन 7 ग्रहों का प्रभाव अलग अलग रूप में इस शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर रहता है। 12 भाव हैं, 12 भावों से 12 बीमारियां आपको मिल सकती हैं। 7 ग्रह हैं तो 7 ग्रह अपने स्वभाव के अनुकूल आपको बीमारी देंगे। 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अकॉर्डिंग आपको बीमारी मिलेगी, यानी कि आपको रोग कितने प्रकार से मिल सकता है? 4 प्रकार से। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र अपने अनुसार आपको बीमारी देंगे, 12 राशियां आपको अपने हिसाब से देंगी और ग्रह अपने हिसाब से देंगे। मैंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आखिर जहां पर मेडिकल साइंस फेल हो रही है, हम आपको ये बताएंगे कि इस व्यक्ति का इतना ट्रीटमेंट चल रहा है और इसका ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर परेशान हो रहे हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बताए जाने वाले उपाय के माध्यम से हम उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं? और कर सकते हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आप देखिए अगर हम अभी एक, जैसे 2 प्रकार से बीमारियां होती हैं, एक होते हैं साध्य रोग और एक होते हैं असाध्य रोग। साध्य रोगों को तो आप ठीक कर सकते हैं उम्र के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, जब धीरे 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 हम बढ़ते हैं तो शरीर में रोग बनने लग जाते हैं, ऋतु परिवर्तन के हिसाब से हमारे शरीर में रोग लगने लग जाते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन के हिसाब से शरीर में रोग दे देता है। आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं अवस्था के हिसाब से, आप उनको ठीक कर सकते हैं। 7 रोग हैं, जब इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो रोग तो आएंगे ही, पर अब कोई असाध्य रोग है, कोई व्यक्ति है पैदा हुआ है जन्म से ही वो अपंग हुआ है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आपकी वो हाइड्रोजन मशीन भी उसको ठीक नहीं कर सकती। और इसमें हम आपको कोई लॉलीपॉप देने वाला काम नहीं करेंगे कि हाँ हम कर देंगे, नहीं कर सकते, असाध्य है,
किसी व्यक्ति की उंगली नहीं है, एक कम है, छोटी है, उसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वह असाध्य रोग की कैटेगरी में है। साध्य रोग है, उसको ठीक किया जा सकता है। एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत तनाव में है, मन से भयभीत रहता है, डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं, सारे इलाज चल रहे हैं। अब डिप्रेशन कौन देगा? चंद्रमा ही देगा। मन को प्रभावित तो वही करता है, और मन से तो सब कुछ है, सारा खेल ही मन का है। मन ही तो विचार बुद्धि को फॉरवर्ड करता है ना। अब कर्क राशि चंद्रमा की है, कर्क राशि हमारे शरीर के अंदर छाती को प्रभावित करती है, ये जो चेस्ट का बॉडी पार्ट होता है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी मेष लगन है, आपके चौथा भाव छाती का हो गया, जैसा मैंने बोला 12 भावों के हिसाब से बीमारी मिलेगी, तो पहला भाव क्या है? सर। दूसरा भाव क्या है? चेहरा। तीसरा भाव है गला। चौथा भाव है छाती का। पंचम भाव है पेट का। इस प्रकार से हमारा जो शरीर है ये 12 भावों के अंदर विभाजित हो रखा है। तो ऐसे ही जो कुंडली के चौथे भाव में छाती आ गई और उसी चौथे भाव के अंदर चंद्रमा बैठ गया, तो यानी कि मन को भी रिप्रेजेंट चंद्रमा कर रहा है, और भाव में बैठ गया तो वो छाती का बॉडी पार्ट हो गया, और उस भाव का कारक। हर एक ग्रह के पास एक एडिशनल चार्ज होता है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, इस पर इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भाव भाव का स्वामी और भाव का कारक। अगर भाव पीड़ित है, भाव का स्वामी भी पीड़ित है, और अगर कारक आपको बचा रहा है ना, तब भी आप बच जाओगे, गाड़ी को खींच लोगे, और अगर ये तीनों आपके पीड़ित हो गए तो फिर आपको बड़ी समस्या आएगी, फिर तो तीनों के ही उपचार करने पड़ेंगे। तो मेष लगन हो गई, चौथे भाव में चंद्रमा आ गया, चौथा भाव छाती का, चंद्रमा छाती का कारक होता है, और चौथे भाव का भी कारक होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का डिपार्टमेंट है, उसके पास एडिशनल चार्ज है कारक के रूप में। और ऐसी स्थिति में उसके साथ में शनि बैठ जाए, ऐसी स्थिति में उसके साथ राहु बैठ जाए और मन पर बैठ गया, मन से पीड़ित कर देगा, मन से डिप्रेशन में ले आएगा। अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी हो, 6 फुट का हो, 6 फुट से प्लस का हो, वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, और कोई कह नहीं सकता कि अरे यार ये डिप्रेशन में है, देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा है, पर वो किसी को धमका नहीं सकता, वो किसी से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके उसकी तीनों चीजें पीड़ित हो गई। अब ऐसे में क्या है, उसको शनि पिन मारता रहेगा, उसको राहु भी पीड़ित करता रहेगा। अब चंद्रमा का काम तो है नहीं लड़ने झगड़ने वाला, वो तो कोमल ग्रह है, अच्छा ग्रह है, शांति चाहता है, वाइट रंग का है, शांति मेंटल पीस देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर? मैंने कहा यहां से हमारा उपचार शुरू होगा, यहां से हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू होगी, यहां से मैंने कहा हम आपके डॉक्टर को इस सलाह दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन की गोलियों को बंद करके इसके चंद्रमा को ही मजबूत कर दो, आप इसको मोती पहना दो, आप इसको सफेद रंग के वस्त्र पहनाओ, आप इसके चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी के ग्लास में इसको जल पिलाओ, आप शनि के और राहु के दान करो, मजबूत मत करो, दान करो। देखो दान करने में और मजबूत करने में भी बहुत बड़ा फर्क होता है, इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे गुरु नीच का है, अरे भैया दान कराओ, जाओ गुरु का दान करके आओ, इसमें वो सही है, नीच का है दान करा दो। बहुत से लोग क्या करेंगे, अरे पुखराज पहनाओ उसको, पीले कपड़े पहनाओ उसको। आप का अगर ऑलरेडी एक ग्रह कमजोर स्थिति में आ गया, वो आपके लिए अहितकारी है, आपका शनि नीच का है, वो आपको पीड़ा देना चाहता है, तो आप उसको मजबूत मत करो। अभी इस एंट्रेंस से कोई बुरा व्यक्ति आ जाए, पापी व्यक्ति आ जाए, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाए, तो हम उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करेंगे, हम उसको अपने पास बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहां पर सीट ऑफर नहीं करेंगे कि आइए प्लीज बैठिए, आपका वेलकम है। हम कहेंगे भैया क्या चाहिए आपको, भाई ये चाहिए, ये पकड़ो और जाओ। यानी कि हमारी मानसिक सोच है ये, ज्योतिष कोई बहुत ये नहीं है कि कोई बहुत अलग से है या इसको सीखा नहीं जा सकता, इसको शोध करने की जरूरत है और अपने विचारों के साथ जोड़ करके फल निकालने की जरूरत है, आराम से कर लोगे। अब ऐसे में क्या किया भाई, इसका शनि नीचे, चलो शनि के दान कर दो, नीलम मत पहनाओ। बहुत सारे ज्योतिषी क्या करेंगे, नीलम पहना देते हैं, क्यों आप उस कलर को उसके शरीर पर धारण करा रहे हो, मत कराओ। मैंने कहा हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं,
तो मैंने ये नोटिस किया, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अवस्था के हिसाब से आती हैं। भाई ग्रहों की भी तो अवस्था होती है ना। अब एक ग्रह है 1 से 6 अवस्था में है तो वो उसकी बाल्य अवस्था हो जाएगी, अब 6 से 12 अवस्था में है तो वो उसकी कुमार अवस्था हो जाएगी, वो 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो वो उसकी युवा अवस्था हो जाएगी, वो 18 से 24 डिग्री के अंदर है तो वो उसकी वृद्ध अवस्था हो जाएगी, और वो 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो वो उसकी मृत अवस्था हो जाएगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रह इसका नीच का हुआ है या इसका कमजोर है, उसकी अवस्था कैसी और वो फल किस तरीके से देगा। अभी गुरु का परिवर्तन हुआ 22 अप्रैल को, मैंने बोला 22 अप्रैल के बाद से समय अच्छा होना शुरू होगा, 15 दिन बाद ही क्लाइंट आ गए मेरे पास कि आपने तो बोला 22 अप्रैल से होगा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, आपने कहा मेष राशि में आ जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैं उनको कहा बैठो और तसल्ली से समझो उसके लॉजिक को। मैंने कहा एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया है, क्या जन्म लेते ही वो आपको फल दे देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि वो पैदा हुआ है, अभी वो शिशु अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, वो अभी बच्चा है, छोटा है, उसको थोड़ा मजबूत तो होने दीजिए, उसके शरीर में ताकत तो आने दीजिए, और वो तो वैसे भी राहु के साथ बैठा है। तो मैंने कहा यहां पर थोड़ा इसकी डिग्री को आगे बढ़ने दो, इसको आगे चलने दो, उसके बाद ये आपको अपना फल भी बहुत अच्छा दे देगा, वेट करो, 2 महीने का वेट करो, 2.5 महीने का करो। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि आखिर ग्रहों की डिग्रियां कैसी हैं, वो इवन नंबर में है, वो ऑड नंबर के अंदर है, वो कैसी अवस्था के अंदर है, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब अगर कोई ग्रह 1 से 6 डिग्री में है और इवन में है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अब कोई ग्रह इन राशियों के अंदर बैठा है और 1 से 6 डिग्री के अंदर बैठा है तो वो कम फल देगा, वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। वही 6 से 12 डिग्री के बीच में है, इवन नंबर में है, वृष में है, कर्क में है, ये कन्या वृश्चिक मकर कुंभ ये मीन में है, वो आपको अपना अच्छा फल दे देगा, अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं, मध्यम फल दे देगा, क्योंकि उसने अवस्था बदल ली। वही आपका 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो युवा हो गया, जोश आ गया, कहते ना देश के प्रधानमंत्री, देश का भविष्य तो युवाओं के हाथ में है, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और युवाओं को आगे आना भी चाहिए। ग्रह भी जब युवा होता है तो अपना अच्छा फल देता है इवन नंबर के अंदर। इसी प्रकार से वो 18 से 24 रहेगा तो वृद्ध हो जाएगा, अब उसके फल में कमी आएगी। तो यहां पर हमारे को जब भी कोई प्रिडिक्शन करना है तो भाव, भाव का स्वामी, भाव का कारक और साथ में दशा, अंतरदशा और वर्तमान के ट्रांजिट के ग्रह। अभी मैंने मान लीजिए जैसे अभी फॉर एग्जांपल मंगल नीच का चल रहा है और अभी ये लगभग चलेगा 29-30 तारीख तक मंगल नीच का। अब जिनका बाय बर्थ भी मंगल नीच का होगा कर्क राशि में और उनकी मंगल की नीच की महादशा भी चल रही है, अब सोचो उन लोगों का क्या हाल होगा। जो लोग कल मृत अवस्था में गए, इस दुनिया को छोड़ के गए होंगे इस दुर्घटना में, ऐसी बहुत सारी रिसर्च उनकी कुंडलियों में देखने को मिल सकती है कि उनका पापत्व इतना बढ़ गया ग्रह का कि एक तो गोचर के ग्रह लगन के ग्रहों के साथ में, बाय बर्थ के ग्रहों के साथ में मिल गए, फिर दशा ऐसी आ गई तो प्रभाव बढ़ गया। मिथुन लगन है, अब यहां पर मिथुन लगन में मंगल दूसरे स्थान का स्वामी हो गया, मार्केस हो गया, सेकेंड हाउस के अंदर बैठा है, सेकेंड हाउस परिवार का भी होता है, परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, और आपका नीच का होके सेकंड हाउस में हुआ है चेहरे के ऊपर, इसका मतलब चेहरे की खूबसूरती में भी कोई दाग लगा देगा, चेहरे के ऊपर कोई कुछ ना कुछ समस्या जरूर देगा, और वाणी पे हुआ है क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी होता है तो वाणी के ऊपर दोष लगा देगा, आप अभद्रता पे आ जाओगे, आप गाली गलौज करने लगोगे, आपका टॉलरेंस पावर कम होगी, ऐसा एक योग यहां पर मंगल ग्रह अपना यह भी फल देगा। अब यहां पर चंद्रमा बड़ा मैटर करता है क्योंकि चंद्रमा उस घर का स्वामी है मिथुन लगन के अंदर, पर चंद्रमा का क्या करें, वो तो सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है, वो आपको रिजल्ट चंद्रमा दे देगा अच्छा तो, पर बीच में 2.5 दिन के लिए दे देगा, कभी और आगे अच्छा हुआ मित्र राशि में चला गया, कुछ अच्छे ग्रह की युति में आ गया तो और 2.5 दिन अच्छा कर देगा, बट ओवरऑल वो भाव तो पीड़ित हो ही गया ना, परिवार के घर में बैठा है, परिवार से कलह कलेश तो करा ही देगा। इस समय आप देखिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ पारिवारिक कलह और परेशानी और छाती से संबंधित रोग
मानसिक टेंशन के कारण बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि इतनी पीड़ित चल रही है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे को यहां पर यह समझने की आवश्यकता है, सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आज मैंने भी इस कार्यक्रम में जितने भी वक्ता अभी मेरे से पहले आए उनसे बहुत कुछ सीखा, सुना, जो अच्छी बातें लगी उनको नोट करने का प्रयास भी किया। देखिए, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सम्मान होता है। आज हमारे बीच में कैप्टन लेखराज शर्मा जी, जो हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं, ये भी तो उनकी एक मास्टरी है, उनकी तपस्या है, और उस तपस्या का फल क्या है कि आज लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी लौट पा रही है। कैसे लौट रही है वो खुशी, कि वो हाथ देख करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बता देते हैं व्यक्ति का, और उसका भविष्य भविष्य वक्ता ज्योतिषी के माध्यम से पता चल जाता है। इसीलिए अभी वर्तमान में जो ग्रह सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में, सनातन हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए सोच रही है, करने का प्रयास कर रही है। और यहां पर ज्योतिष के ये कार्यक्रम, ये सम्मेलन पिछले 8 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर जितने व्यापक स्तर पर हो रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता। मतभेद तो आयोजकों के बीच में भी हो सकते हैं, मतभेद ज्योतिषियों के बीच में भी हो सकते हैं, ज्योतिषियों के बीच में भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो सकती है, ये विषय अलग है, ये मतभेद हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। इसीलिए जितना हो सके, जितना अपने स्तर पर आप प्रयास कर सके, करिए, सीख करके जाइए, लिख करके जाइए। श्रोता अच्छा होना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके इस ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयासरत जीवन को बढ़ा दीजिए। चाहे आप देश में हैं, चाहे आप विदेश में हैं, चाहे आप जिले छोटे से कस्बे के अंदर हैं, आप प्रयास करिए कि आप जितना ज्ञान तो जितना फैलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहां पर मैं एक बार पुनः जैस्मिन जैस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं तो ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि इससे भी बड़ा और भव्य कार्यक्रम आगामी समय में आपके द्वारा आयोजित हो, और उसमें हमें आने का मौका मिले। हम फिर एक बार अपनी बात रखेंगे, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके स्टूडेंट्स को, और जो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने करी है, 57 कोर्सेज को आप ऑफर कर रही हैं, 57 कोर्स चलाना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत तपस्या, मेहनत, डेडिकेशन चाहिए इस काम के लिए। और ऐसे देखिए, महिलाओं का आगे आने बहुत जरूरी है, महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जब आप हमारे साथ पैरेलल मिलकर के आगे बढ़ेंगी तो एक नए विचार की, एक नई नींव की शुरुआत होगी, ये भी एक यथार्थ सत्य है, क्योंकि आप महिलाओं के गुटों को एकत्रित कर सकती हैं, आप बैठ करके एक एक विचार डेवलप कर सकती हैं, लोगों को एक संदेश दे सकती हैं, और जो काम हमसे होगा वो तो हम कर ही रहे हैं। आज यूट्यूब पर मेरे लगभग 13 लाख फॉलोअर्स हैं, 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, आज फेसबुक पर मेरे 5 लाख से अधिक फेसबुक पेज को लोग मेरे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से, मेरे को महीने में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियोस को देखते हैं, एक बड़ी बात है, हमारे को खुशी होती है। क्या यूट्यूब यूएस वाले को भी ये समझ में आ गया कि एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा एक साइंस है, इसलिए उसने एक अलग से टैब बनाया हुआ है एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के नाम से एक टैब देखने को मिलेगा। क्या ये कम बात है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप अब अवेयर होइए और आगे बढ़िए। एक बार प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।